एक 2 years old child has to sleep for 10 to 11 hours per day with no daytime naps. और यहाँ पे parents जो हैं वो irritate होना शुरू हो जाते हैं कि अगर बच्चे ने नींद दिन में पूरी कर ली है, 2 घंटे सो लिया, तो बच्चा अब रात को सो नहीं रहा. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुनीबा कामरान है. आई वर्क एज अ पीडियाट्रिशियन एट लाइफ लाइन्स हॉस्पिटल जौहर टाउन लाहौर, एंड आई ऑल्सो वर्क एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन इन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ लाहौर. आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है स्लीप प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन. हमारे पास बच्चों के साथ और वालदैन की जो सोने की जंग है ना, वो जैसे बच्चे पैदा होते हैं तब से शुरू हो जाती है. तो न्यूबॉर्न बिल्कुल आते हैं तो उनके पेरेंट्स बहुत एक्साइटेड होते हैं और उन्हें ये मसला होता है कि बच्चा 20-20 घंटे सो रहा है, 22-22 घंटे सो रहा है, ये इसकी नॉर्मल रूटीन है. फिर जैसे ही बच्चा 3 से 6 माह का होता है, उस वक्त पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि बच्चा रात के वक्त क्यों नहीं सो रहा. फिर जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है या 2 साल का होता है, तब भी पेरेंट्स के यही प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चा अप्रोप्रिएट स्लीप नहीं ले रहा. अब अप्रोप्रिएट स्लीप क्या होती है? जो अप्रोप्रिएट स्लीप है ना, वो एज के साथ डिफर कर रही होती है. जैसे फॉर अ न्यू बॉर्न इट्स नॉर्मल टू स्लीप फॉर 20-22 आवर्स पर डे. जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसका नींद का दौरानिया जो है वो 10-12 से 14 घंटे पर चला जाता है. ऐसे ही 2 साल के बच्चे, जो 1 साल का बच्चा है, वो इसके साथ 2 तरह की दिन में 2 टाइम्स नैप लेता है जिसमें 2 से 3 घंटे कंज्यूम हो जाते हैं. एक 2 years old child has to sleep for 10 to 11 hours per day with no daytime naps. और यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं कि अगर बच्चे ने नींद दिन में पूरी कर ली है, 2 घंटे सो लिया, तो बच्चा अब रात को सो नहीं रहा. इन सारी बातों के लिए हम पेरेंट्स को स्लीप हाइजीन के बारे में काउंसिल करते हैं. पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसकी वजह से बच्चा रात को सो नहीं पा रहा. जैसे स्लीप हाइजीन में बच्चे का डायपर गंदा होना, बच्चा भूखा सो रहा है, बच्चे के सोने का माहौल जो है वो बाज़ औक़ात कंसिस्टेंट नहीं होता. बच्चा कभी किसी कमरे में सो रहा है, बच्चा कभी किसी कमरे में सो रहा है, तो बच्चे की एक रूटीन इस्टेब्लिश नहीं होती. इसके अलावा बच्चे की ऑर्गेनिक कॉजेज भी होती हैं बाज़ औक़ात, उस वजह से भी बच्चे रात को नींद में उस वजह से बेचैनी महसूस करते हैं और प्रॉपर नींद ले नहीं पाते. तो हम इस बात के लिए मदर और फादर को स्लीप हाइजीन के बारे में काउंसिल करते हैं, जिसके मुताबिक बच्चे का सोने और जागने के लिए एक कमरा, एक जगह मखसूस कर ली जाए. उस जगह को बच्चे के हिसाब से, जब बच्चे ने सोना है तो उस टाइम पे जैसे एक अप्रोप्रिएट डिम लाइट होती है, जैसे सिर्फ एक ब्लू लाइट होती है या नाइट बल्ब जिसे कहते हैं, सिर्फ वो कमरा रोशन हो उतना ही बच्चा कोजी और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का हो. ये नहीं कि बाज़ औक़ात बच्चा ठंड से ही नहीं सो पा रहा था, और बाज़ औक़ात कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वार्म होता है जिसकी वजह से बच्चा प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा था. फिर इसके बाद बच्चे जो है ना, वो कुछ स्लीप एसोसिएशंस के साथ होते हैं, जैसे बच्चा एक मखसूस टेडी बेयर के साथ सोना पसंद करता है, और बच्चा या किसी पेरेंट के साथ, फादर के साथ, तकिए के साथ, मदर के साथ सोने की आदी होता है. तो जब आप वो स्लीप एसोसिएशन उससे अब्रप्टली रिमूव कर लेते हैं तो उस रात बच्चे की नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है. तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को किसी स्लीप एसोसिएशन का आदी ना बनाएं, ठीक है. बच्चे को हम एक फूड प्रॉपरली दे के, हैप्पी मील दे के 3 से 4 घंटे सोने से पहले एक प्रॉपरली उसका पेट भरें, और खाने सोने से 2 घंटे पहले हम इसको कोई हल्का फुल्का स्नैक, जिसमें दूध है या कोई बिस्किट हो सकते हैं, कोई केला हो सकता है, कोई फल हो सकता है, हल्का फुल्का स्नैक दे देते हैं. और जब उसने सोना हो तो उसके इमीडिएटली पहले ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रूम के अंदर, ना कोई मोबाइल चल रहा हो, ना टेलीविजन हो, और बच्चे को 1 घंटा बिल्कुल अप्रोप्रिएटली एक अच्छे से माहौल में बच्चे को स्लीप के लिए प्रिपेयर किया जाए, और उसकी डेली मॉर्निंग की, एएम की, और सोने की, इवनिंग की, पीएम की रूटीन जो है वो एक फिक्स रूटीन हो. इसके अलावा जो डेली नैप्स भी अगर आपने उसको दिलवाने हैं तो उसकी भी रूटीन सेटल्ड हो. ये नहीं है कि आज छुट्टी का दिन है तो आज बच्चा 10 बजे उठ रहा है, और अगर आज छुट्टी का दिन नहीं है तो आज बच्चा 9 बजे उठ रहा है या बच्चा 6 बजे उठ रहा है. जब इनकन्सिस्टेंट रूटीन होगी तो बच्चा स्लीप के लिए आपको डिस्टर्ब करेगा. तो अगर आप इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे तो उम्मीद है कि बच्चे, एक नॉर्मल बच्चे की या एक टिपिकली डेवलपिंग बच्चे की स्लीप में कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए.